लेकिन कब होंगी? आजम खान साहब, क्या उम्मीदें हैं उत्तर प्रदेश पुलिस से कि ये दोनों डॉन की बीवियां कब गिरफ्त में होंगी पुलिस के? अभिषेक जी, ये तो उत्तर प्रदेश की पुलिस ही बता सकती है, इसमें समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता क्या कमेंट कर सकता है। हम तो ये कह सकते हैं कि बस चूंकि ये पुलिस की जिम्मेदारी है कि अगर उनके ऊपर कोई केसेस थे तो उन्हें समय से पहले उन्हें वो करना चाहिए था, लेकिन पुलिस भी चूंकि प्रोपेगेंडा का सहारा लेती है और जब उनके लोग, उनके जो शौहर लोग थे, उनको जब नहीं इस्तेमाल कर पाई या नहीं कर पाए तो इन्होंने जबरदस्ती केसेस भी लादे हैं और भागने के लिए मजबूर किया है। तो ये पुलिस की जिम्मेदारी है कि वो उसे अब जो है देखे कि उसने क्या सही और क्या गलत है, और जो सही हो उसे करना चाहिए पुलिस को। लेकिन एक आरोप आप पे ये भी लग रहा है कि डॉन के परिवार से इतनी सहानुभूति क्यों? डॉन के परिवार से सहानुभूति का विषय नहीं है, विषय है हमारे अफजल अंसारी साहब हमारे प्रत्याशी हैं, समाजवादी पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी हैं, और मन्नू अंसारी और सोएब अंसारी हमारे एमएलए हैं, समाजवादी पार्टी के एमएलए हैं। अगर किसी परिवार में कोई घटना दुर्घटना हो जाती है तो शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए मुझे लगता है ये नहीं देखना पड़ता है कि वो व्यक्ति क्या था या क्या है। कोई भी व्यक्ति, अगर हमारा पड़ोसी कितना भी खराब होगा, कुछ भी होगा, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो हम अपने पड़ोसी के घर जाते हैं, बजाय ये कहने की कि नहीं तो बहुत बुरे थे, तो ये थे तो वो थे, ये सब सवाल शायद उस वक्त गौड़ हो जाते हैं। तो हमारे पार्टी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी एक मानवीय संवेदना व्यक्त करने गए थे, न कि कोई सर्टिफिकेट बांटने गए थे। ये हमारा, हम लोगों का मानना है। बाकी काम पुलिस और प्रशासन का है, कोर्ट का है कि उन्हें किस तरह से देखती है और किस तरह से नहीं देखती।